हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे सब आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं सांभर जा रहा हूँ मेरे दोस्त अरविंद के साथ। अभी टाइम हो रहा है 10 बज गए करीब, 9:56 हो रहा है। चलिए अरविंद के पास चलते हैं। चलिए, काफ़ी लेट हो गए। वैसे आज 15 जनवरी है, वैसे संक्रांत मनाते, पर हमें तो क्या इतना शौक नहीं है, तो हम तो घूमने जा रहे हैं और छुट्टी का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि जॉब करते हो तो छुट्टी मिलती नहीं है, इसलिए सांभर जाएं। जाना हमने डिसाइड किया था, पहले कहीं और जाने का था, फिर प्लान कैंसिल करके सीधा सांभर जाएंगे। मैंने क्या बनी हेलमेट भी लगा रखा है, देखते कि रिएक्शन क्या मिलते। शुरू में रिएक्शन देखो, वो भाई की तो नज़र ही नहीं हटी मुझसे। फ्रेंड्स, एक बात तो है, यदि अगर ज़्यादा मेंबर जाने के होते ना डिसाइड एक साथ कि भाई अपन ज़्यादा मेंबर जाएंगे, कुछ ना कुछ रीज़न के कारण मेंबर कम हो ही जाते हैं। अब जैसे कि राहुल भी जाने वाला था, शुभम भी जाने वाला था, लोकेश भी जाना था, तो लोकेश के तो घर वाले मना कर दिए, और राहुल के भी, और शुभम तो भाई पता नहीं उसका क्या रीज़न था, वो तो मना कर दिया। बोलो ठीक है, तो फिर हम दोनों ने डिसाइड किया चलो सीधा अब सांभर चलते हैं। यहाँ से पेट्रोल डलवा लेते हैं थोड़ा। दो सौ बीस जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। कैश है तेरे पास? ये मैं ऑनलाइन करूं, कैश है क्या? जीरो देश के भाई जी। डीजल ले डाल, इसके पास पेन है। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. अभी जब मैं गांव से होके आया ना फ्रेंड्स, तो हर कोई मुझे देख रहा, हर कोई मुझे देख। अभी देखिए, जैसे कि ये भैया देख रहे थे ना ट्रैक्टर वाले, ऐसे हर कोई देख रहा था मुझे, जैसे कि पता नहीं क्या ही देख लिया। चीज तो अच्छी बना रहे क्या पे? क्यों फालतू? जैसे कि ये रेलवे फाटक है तो यहाँ पे जो वेट ना करना पड़े। अच्छा, वो यही है क्या? ऑटो वाले भैया भी अचानक से देखे, उन्हें भी देखा क्या ही चीज़ है।
रिएक्शन एक नंबर आ रहे हैं फ्रेंड्स, एक नंबर। हेलो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, अभी मैं सांभर ले हूँ और मेरा दोस्त अरविंद राय पीछे, ये आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये वाला तो ग्रीन है, ग्रीन नमक। और वो कौन सा है अरविंद, ब्लैक है ना? हाँ अबे ग्रीन तो ये हाँ, वो ब्लैक है, वो ब्लैक, वो ब्लैक है। और जो आप ये मेरे पीछे देख रहे हो वाइट है। चलिए मैं आपको आगे से दिखाता हूँ, थोड़ा आगे और चलते हैं। फ्रेंड्स हम वापस जा रहे हैं बाइक के पास, यहाँ पे तो घूम लिया, पर ज़्यादा कुछ खास था नहीं। तो अभी हम जाते हैं वो रेगिस्तान, वहाँ का वो फेमस है, वहाँ पे बाइक राइडिंग वगैरह करेंगे। राइट हैंड में देखिए बिल्कुल रेगिस्तान, कितना 8 किलोमीटर। अभी फ्रेंड्स हमें 8 किलोमीटर जाना है, और वहाँ पर इससे भी अच्छा सीन मिलेगा जो आप राइट हैंड में देख रहे हो ना। राइट और लेफ्ट हैंड में एक नंबर व्यू है, बाइक चल रही 56 की स्पीड से और अभी फिक्स एक बज गए। यहाँ पे अभी आगे चलेंगे फिर वहाँ चलाएंगे बाइक, थोड़ा बर्नआउट वगैरह भी करेंगे, अच्छे सीन भी लेंगे, रिकॉर्ड करेंगे काफ़ी। चल सीधा आगे मिलते हैं। Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step, still hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Oh, ये देखिए अभी हम सांभर लेके यहाँ पे, ये रेगिस्तानी इलाका। अभी हम यहाँ पे बाइक वगैरह चलाए तो काफ़ी अच्छा सीन था फ्रेंड्स। यहाँ पे अरविंद ने तो यहाँ पे बर्नआउट वगैरह भी किया, मैंने भी किया, और यहाँ पे स्किट वगैरह काफ़ी करने की कोशिश की। और मेरे को तो आपको पता ही है, मैं इतना ज़्यादा करता नहीं अपनी बाइक के साथ, तो अरविंद कर रहा था, काफ़ी अच्छा मज़ा है यहाँ पे। और सीन तो यहाँ पे एक नंबर था। अभी आप जस्ट देख रहे हो ना वहाँ पे छतरी, उसके ऊपर पहाड़ के ऊपर जो भी वहाँ वो पीछे देख रहे हो आपको छतरी है ना, उसके ऊपर जाएंगे अभी, तो वहाँ से आपको यहाँ का पूरा सीन दिखाएंगे। पर व्यू एक नंबर है फ्रेंड्स, यहाँ यहाँ पर आके काफ़ी मज़ा आया। चलिए अब सीधे वहाँ चलते हैं। ये फ्रेंड्स अभी हम पहाड़ी के ऊपर आ गए और ये देखिए यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, यहाँ का व्यू एक नंबर है फ्रेंड्स। और ये और कुछ फ्रेंड्स वगैरह बैठे हुए हैं, भाई वगैरह सब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, और हमारे तो सर भी बैठा हुआ, देखिए सीन एक नंबर है यहाँ का। अभी ऊपर है तो हम चढ़ के आए तो गर्मी लग रही, तो मैंने जैकेट उतार दी, यहाँ पर थोड़ी हवा चल रही है। और यहाँ पर देखिए रेगिस्तानी रेगिस्तानी कितना दूर दूर, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। दूर दूर तो का आपको खाली मिट्टी रेगिस्तान दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, और सेम टू सेम ऐसा दूसरी तरफ भी है, ये देखिए सेम टू सेम ये दूसरी तरफ भी ऐसा ही है, ये देखिए दूर दूर तक फैला हुआ एकदम रेगिस्तान। फ्रेंड्स अभी हम बाइक के पास आ गए और यहाँ का व्यू देखिए कुछ ऐसा है। अभी हम वहाँ पे तो वो छतरी दिखी है ना वहाँ पे, ये मैं तो सर भी यहाँ पे पानी पी रहा, और हमने हेलमेट वहाँ रखे थे, वो मंदिर है भैरू जी का, तो वहाँ पे रखे हमने हेलमेट, तो अभी हेलमेट लेने जाएंगे वहीं पे। एक बात तो यहाँ पे घूमने आना ज़रूर चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ, तो यहाँ पर आओ और इन्जॉय करो, दूर दूर तक तो आपको रेगिस्तान ही दिखेगा।
अभी हम वापस घर ही जा रहे हैं। चलिए अब सीधा हाईवे पे मिलते हैं। ये आ गए फ्रेंड्स हम रोड पे। ये देख सकते हो हम वहाँ से सीधा ऐसे आए थे। सीन एक नंबर है फ्रेंड्स यहाँ। अब जल्दी चलना, लेट हो चुके यहाँ से। यहाँ से किस सिटी में से होकर चलेगा क्या फ्रेंड्स? ये हरकत हो गई अरविंद के कारण, गलत रास्ते से आ गए भाई। मैंने इसे मैप चला के दिया हुआ था। हालत ही ख़राब हो गई। ट्रैफिक रेलवे ट्रैक थे तो वहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया हमें। हमने गलत ही रास्ता ले लिया इस बार, बस एक गलत चूक के कारण। ये हम आ गए बगरू टोल टैक्स और अभी टाइम हो रहा है 4:48। हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने घर 4:30 पहुंच गया था। वो क्या है, गोप्रो की बैटरी डेड हो गई थी इसलिए मैं एंड कर नहीं पाया था। वैसे सांभर लेक घूम के काफ़ी मज़ा आया। आपने वीडियो में देखा होगा कि हमने कितना एंजॉय करा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय।